देशभक्तों के बलिदान को याद करने के लिए प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान में भाग लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बढ़ चढ़कर सबने यात्रा की। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले देशभक्तों को याद करना सबके लिए जरूरी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिसमें आपने देखा कि हजारों बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उससे लेने से बच्चों के मन में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक भावना होती है, राष्ट्रीय ध्वज से एक और जुड़ाव होता है। हम तिरंगे यात्रा निकालते हैं, हम तिरंगे झंडे की बात करते हैं, तिरंगे झंडे की गाथा की हम बात करते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही हमारा अब हम अपना 78वां इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं इस 15 अगस्त को। तो ये बहुत खुशी की बात है, मैं आपके माध्यम से सभी को इस शुभ दिन की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और तिरंगा अपने आप घरों में दर्शाएं, अपने कपड़ों पर दर्शाएं, चाहे अपनी कलाई पर आप इसको दर्शाएं, जिसका एक ही मतलब है कि ये प्रतीकात्मक कदम है कि हम एक प्रतीकात्मक रूप से हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। नू के फिरोजपुर झिरका में भी हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिक्षा मंत्री इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा बीडीपीओ कार्यालय से लेकर लाल कुआ चौक तक निकाली गई। इस मौके पर सभी के हाथ में तिरंगा नजर आया। बारिश के बीच महिलाओं ने भी गर्मजोशी से यात्रा में भाग लिया। आज पीढ़ियां बीत गई और इस जो नई पीढ़ी है उसको भी अवगत कराने का दिन है कि हमारा इतिहास जो है हमारे युवा बच्चों को पता रहे, वो दर्द का रिश्ता पता रहे कि जिस दर्द से हिंदुस्तान गुजर करके भारत और पाकिस्तान बना। और यही चीज़ें अगर बच्चों के दिलों दिमाग में होंगी तो मुझे लगता है कि भारत में समृद्धि शांति, आज अगर हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत विश्व में शांति दूत बन करके सबसे ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। तो जो भावना हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं और इसे अमृतकाल की संज्ञा उन्होंने दी, तो हमने ये विचार किया क्यों ना अमृतकाल का अमृत संबोधन जय हिंद हो, और बच्चे इसको स्कूल से शुरू करेंगे तो देश के लिए एक प्रागढ़ प्रेम की भावना हम स्कूल से बच्चों की नींव से उनके साथ जोड़ेंगे। इधर करनाल के कर्ण स्टेडियम से भी जिला उपायुक्त ने हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में कई खिलाड़ी और उनके कोच ने भी हिस्सा लिया। यात्रा कर्ण स्टेडियम से लेकर अंबेडकर चौक तक निकाली गई। भिवानी के गांव गुस्कानी में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी देशभक्ति की भावना दिखाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान पूरा गांव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। सभी को जागरूक करने के लिए समय समय पर इस तरह की यात्राओं का आयोजन करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान शुरू किया था वो अब देशव्यापी बन चुका है। आज हर कोई बलिदानियों के साहस को और उनको गर्व से याद कर रहा है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, नू से अनिल मुखनिया, करनाल से हिमांशु नारंग और भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।